बतौर कांग्रेस प्रत्याशी रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने भरा पर्चा। नामांकन के दौरान पार्टी अध्यक्ष खड़गे समेत सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर तंज, कहा चुनाव से पहले स्वीकारी हार, अमेठी में गांधी परिवार के स्वागत में कमी नहीं छोड़ी जाएगी। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का तंज, कहा भाग कर वायनाड से रायबरेली आ गए राहुल, वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से होगी हार। कर्नाटक के चिक्कोडी से अमित शाह का राहुल पर तंज, कहा 20 बार के बाद भी राहुल की नहीं हो सकी सफल लॉन्चिंग, अमेठी से भागकर रायबरेली से भरा पर्चा। यूपी के संभल में सीएम योगी ने राहुल पर बोला हमला, कहा 5 साल तक दिखाई नहीं देते, चुनाव आते ही राहुल यूपी आते हैं, भारत में राहुल को कोई पसंद नहीं करता। वायनाड सीट से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा का राहुल से सवाल, पूछा अगर दोनों जगह जीते तो कौन सी सीट छोड़ेंगे। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के एल शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से के एल शर्मा की सीधी टक्कर। अमेठी में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, कहा अमेठी से हमारा रिश्ता पुराना, सच्चाई और सेवा की राजनीति को लाना है वापस, लोगों से की किशोरी लाल शर्मा को जिताने की अपील। अमेठी में नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी के एल शर्मा ने किया रोड शो, रोड शो में इंडिया गठबंधन का दिखा साथ, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर केएल शर्मा ने कहा मुझ पर भरोसा जताने के लिए पार्टी अध्यक्ष खड़गे समेत सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार। रायबरेली में शक्ति प्रदर्शन के दौरान डिग्री कॉलेज चौराहे के पास आमने सामने हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा राहुल गांधी डरने वाले नहीं, गांधी परिवार की सीट रही है रायबरेली, अमेठी से भी कांग्रेस उम्मीदवार के एल शर्मा की होगी जीत। बीजेपी नेता वीडी शर्मा का बयान, वायनाड से जमीन खिसक रही है इसीलिए रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी, रायबरेली में पहले की जमीन खिसक चुकी है। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा रायबरेली में राहुल को मिलेगी अमेठी से भी बड़ी हार, अमेठी में भी होगी बड़ी जीत। रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, कहा फैसला सोच समझ कर लिया गया, अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से कांग्रेस की होगी जीत। रायबरेली से राहुल की उम्मीदवारी पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा राहुल को अमेठी से लड़ना चाहिए था चुनाव, प्रियंका गांधी पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कसा तंज, कहा रायबरेली से हारेंगे राहुल, अमेठी की तरह रायबरेली की भी छोड़ देंगे सीट। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी को राहुल से नहीं गांधी परिवार से परेशानी, पीएम जानते हैं कि गांधी परिवार उन्हें सत्ता से करेगा दूर। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने किया नामांकन, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साथ रहे मौजूद। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हुए शामिल। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण ने किया नामांकन, करण भूषण के साथ ब्रिजभूषण सिंह रहे मौजूद। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण ने नामांकन से पहले की पूजा, भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी प्रत्याशी उज्ज्वल निकम ने किया नामांकन, नामांकन के दौरान कई नेता रहे मौजूद। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी प्रत्याशी उज्ज्वल निकम का नामांकन आज, नामांकन से पहले सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा की। सारण में विकास की अनदेखी का हवाला देते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी पर रोहिणी आचार्य का पलटवार, कहा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर प्रायश्चित करें रूडी। रोहिणी आचार्य ने रूडी को जवाब दिया, कहा दूसरों की निजी जिंदगी में ताक झांक और टिप्पणी करना बंद करें। रूडी ने रोहिणी आचार्य को सारण की बेटी कहने पर जताया था एतराज। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल में हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार, ममता सरकार को राम मंदिर और रामनवमी से भी आपत्ति। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा जिन जिन को टीएमसी ने लूटा उनका होगा हिसाब, नियम के मुताबिक पीड़ितों का लौटाया जाएगा पैसा, ये मोदी की गारंटी है। हैदराबाद में चुनाव प्रचार में जुटे ओवैसी, जयनगर में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता से मांग रहे हैं समर्थन, हैदराबाद में इस बार देखने को मिल रहा त्रिकोणीय मुकाबला। गाजीपुर में प्रचार के रण में उतरी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत, छात्रों के बीच चलाया कैंपेन, भ्रष्टाचार बेरोजगारी के मुद्दे पर कोचिंग के छात्रों से की सरकार को बदलने की अपील।